वह भक्त दीनहीन होकर के भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, ओहो मैं तो अत्यंत है, आई एम वेरी फॉलन, आई हैव नो एनी क्वालिफिकेशन, अशक्ति जातो भक्त है, चेष्टा आदि नहीं करने पर भी स्वाभाविक रूप में ही टॉक्ड अबाउट मंडेन, बट हिज माइंड ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब विथ कृष्ण लीला कृष्ण कथा. व्हेन ही आस्क्ड द सनातन गोस्वामी, आस्क्ड द ब्रजवासी हाउ मेनी काउज हैव यू, तुम्हारे घर में कितना गाय है, वो कथा करने के साथ ही साथ वो ब्रज गुरु वृंदावन में है, विश्वानु महाराज था नंद महाराज के गृह में कितने काव गोधन है, वो स्मृति आ जाता है, है? बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ विषय बात कर रहे, किंतु मन वो गोलोक वृंदावन में लग जाता है, है? तो मेरे मन भगवान में कैसे लगे, ऐसे दीनहीन हो जाता है. कभी प्रातः काल में कोई ब्राह्मण बालक के देख करके उनके हृदय में ऑन योर आर्मपिट, कौन सा स्कंध दशम स्कंध की कथा सुनाओ मुझे, आप कौन कौन देश भ्रमण करके आ रहे हो, धन्य आपके जीवन है, और उस समय भगवान के नाम कीर्तन आदि करते रहते हैं, और फिर पुनः दीनहीन होकर के फुट फुट करके रोते हैं, हाय हाय मैं तो कुछ भजन नहीं किया. देखो एक ब्राह्मण बालक हर रोज कैसे भागवत अध्ययन करते हैं, प्रसाली एंड ही रीड्स 10th canto and 29 chapter to 31 chapter, 29 chapter. अहो इस प्रकार दीनहीन होकर के कभी रोते हैं, कभी जमीन पर लोट लुटपुट, कभी सो जाते हैं निद्रा है? और फिर कहते हैं अहो आप मुझे कोई एक भागवत की कथा श्रवण कराइए, स्पेशली दशम स्कंद के रास पंचाध्याय की कोई कथा मुझे श्रवण कराइए. और इस प्रकार दीनहीन होकर के सभी के पूछते रहते हैं ये मुझे कुछ कथा सुनाओ, कौन सा कथा, श्रीमद् भागवतम रास पंचाध्याय की कथा सुना. इस प्रकार जहाँ जहाँ पर संत महात्मा विराजमान होते हैं वहीं पर वो जाकर के लुट पुट खाते हैं. किंतु वह भक्त की बहिर्लक्षण दे करके लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं ये तो भ्रष्ट हो गया है, अपने मित्र जन समझने लगे, इसकी बुद्धि छन्न छड़ हो गई, माने बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ही लॉस्ट हिज मेमोरी है. सम पीपल आर थिंकिंग इज कंप्लीटली
एंड जड़ जड़ मैंने इनर्ट लेस इंटेलिजेंट एंड कभी कभी प्रतिवेशी जो है उनकी और पड़ोस में रहने वाले कहते हैं ये तो इसकी बुद्धि नहीं है। मीमांसक सोचते हैं ये मूर्ख है वैज्ञानिक है कर्म मीमांसा है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा व्यासदेव ने नहीं है इसलिए मीमांसक लोग सोचते हैं ये मूर्ख है कंप्लीटली फूलिश वैदांतिक कहने लगे भ्रांत हो गया है कंप्लीटली इलुसिटेड कर्मी आदि लोग सोचने लगे इज कंप्लीटली फॉलन बिकॉज ही डज नॉट फॉलो द ऑफ द सोसाइटी है भ्रांत भ्रांत मैंने कंप्लीट इल्यूसिटेड द मर्सी ऑफ लॉर्ड एंड ही मस्ट अटेन द मर्सी ऑफ लॉर्ड भगवान की कृपा ये प्राप्त कर लिया वह भक्त लोग उनकी चरण सरोज में आकर के नाम आदि करते रहते हैं और अभक्त जो है नॉन डिवोटी ही थिंकिंग नॉन डिवोटी थिंकिंग और ही इज वेरी एरोगेंट क्या बोलते हैं दंभिक ऑफेंडर्स अपराध ही थिंकिंग ही इज ईशलेस पर्सन इन दिस वे साधक He is wandering here and there. शक्ति परिमाण प्राप्त होकर के रुति और प्रपट जाए भावना में अभिहित होता है यही रुति जब मैच्योर हो जाता है तो उसे कहा जाता है क्या भाव है निष्ठा रुचि के बाद आसक्ति आसक्ति के बाद क्या होता है रुति होता है रुति रुति में चुड़ होकर के भाव दशा में आ जाता है और भाव में चुड़ होकर के प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं इसलिए कह रहे हैं इसी प्रकार साधक जब मुक्ति के भी तुच्छ मानते हैं When Sadhak he comes in the stage of Asakti, that time he is thinking, Mukti, liberation, but salvation is completely useless. Mukti ki atanta dhikkar dite hai. Moksha ki nahi chahte. Moksha loguta krit. Sudurlabhata is sudurlabha aur moksha lodi krit. Asakti hai, bhav dasa mein jidu. उत्तर निकालता है इसी प्रकार साधक के हृदय में भाव रूपी धीरे धीरे विकसित होने लगे भाव रूपी पुष्प द फ्लावर्स ऑफ भाव भाव कुसुम ये भाव रूपी कुसुम कुसुम उस समय धीरे धीरे उनकी ये फूलों की अंदर में जो मकरंद जो सुगंध जो है वायु के द्वारा चारी तरफ और उसी सुगंध के प्राप्त करके भ्रमर आदि उस फूलों की जो है माधुर्य रस आसादन करने के लिए बढ़ जाता है तात्पर्य क्या है न साधक के हृदय में अनेक प्रकार सुगंध आदि जो है विकसित हो जाता है जैसे पुष्प
विकसित होकर के ठीक उसी प्रकार साधक के हृदय इतने सुंदर विकसित हो जाता है। सुगंध आदि, यह सुगंध माने भगवान की कथा माधुर्य, ब्राह्मण आदि भी उनके स्तुति आदि करते रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी उनकी भी स्तुति, चंडालों भी द्विजश्रेष्ठ हरिभक्ति परायण, ये चंडाल ही इज हायर देन ब्राह्मण बिकॉज कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति उनके हृदय में प्रकटित हो, चंडालो भी द्विज श्रेष्ठ न द्विजो ओपी चंडाल श्रेष्ठ, ब्राह्मण अपेक्षा भी चंडाल श्रेष्ठ हो जाते। क्यों वंदना कर रहे, एता परांग तनुभूतो हुवि गोपो बद्धो गोविंद देव निखिलात्मनि रूढ़ भावा।